बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्लास 9 का फिज़िक्स का चैप्टर 6 है ग्रेविटेशन का, जिसके हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी पहले पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल टूवर्ड्स अर्थ इज़ ड्यू टू द, अच्छा जी कोई भी बॉल है आपके पास अर्थ की तरफ मूव कर रही है टूवर्ड्स अर्थ, उसके मोशन किस वजह से होगी, वेटलेसनेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए ये बात होती है, कोई भी अगर बॉडी आपके पास अर्थ की तरफ आ रही है तो सबसे ज़्यादा जो एक्ट करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यही बात है, कोई भी मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉल आपके पास क्या कहलाएगा, ये उसकी वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द, अच्छा न्यूटन साहब ने लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने ये कहा था कि एवरी मतलब कि कोई भी दो बॉडीज़ होंगी यूनिवर्स में, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, ठीक है। अब वो बात उन्होंने क्या की है, यूनिवर्स की बात की है, तो हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में क्या है, ऑन यूनिवर्स, के बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट ऑन द यूनिवर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, अच्छा जी न्यूटन साहब ने अपना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसी में उन्होंने वैल्यू ऑफ जी थी जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी उन्होंने वैल्यू भी बताई थी। अब वो वैल्यू क्या है, ऑप्शन ए में देखिए, 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और इंटू किलोग्राम का इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डायरेक्टेड, जैसे देखें आप, जैसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होती है, सेंटर में। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो पूछे हैं वो किस तरफ हमेशा डायरेक्टेड होगी, तो आपके पास ये याद रखिएगा, हमेशा अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया है कि अगर एक फॉलिंग बॉल गिर रही है तो वो टूवर्ड्स द अर्थ जाएगी, किस वजह से, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको एक्ट करेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टूवर्ड द अर्थ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन साहब ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल सॉरी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दो बॉडी के मासिस के बराबर, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो हमारे यहाँ फोर्स पूछा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है आपके पास, तो मास के भी है, और ऑप्शन बी में देखें 1/r², तो ये बिल्कुल सही है, फोर्स आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उनके डिस्टेंस के, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, क्योंकि यही उन्होंने, न्यूटन साहब ने यही लॉ दिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मासिस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ऑप्शन बी में देखें इन्वर्स लिखा हुआ है 1/r² लिखा हुआ है ना, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, ये याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी सिर्फ, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डैश रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, अच्छा जी पूछ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास किसकी कॉन्स्टेंट रहती है कहीं भी हम जाए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जी, जी क्या है आपके पास, ग्रेविटी है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बताइए अर्थ पे ग्रेविटी क्या हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगी, नहीं ना, अर्थ पे जाएंगे अर्थ की ग्रेविटी अलग है, चांद पर चले जाएँ, मून पे चले जाएँ उसकी ग्रेविटी अलग है, जुपिटर पे चले जाएँ उसकी ग्रेविटी अलग है, वीनस की ग्रेविटी अलग है, तो ये तो कॉन्स्टेंट नहीं रहता। ऑप्शन बी में देखें कैपिटल जी है, यानी कि यूनिवर्सल वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जो है आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो न्यूटन साहब ने बताया, इसकी वैल्यू जो है हर जगह चली जाए ये कॉन्स्टेंट रहेंगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन सी भी देख ले तो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, क्योंकि दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, उससे भी फोर्स का भी मतलब के फ़र्क आ सकता है। और ऑप्शन डी में है डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है आपका, वेट, शायद वेट है या फिर वर्क है, पता नहीं क्या बताना चाह रहे, लेकिन ये भी सब चेंज होगा, सिर्फ आपका जो कैपिटल जी है वो चेंज नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स इज डैश ऑफ द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अच्छा जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह रहे हैं, डिपेंड करती है मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट के या इंडिपेंडेंट होती है। देखिए आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के। देखिए अभी हमने ऊपर बात की क्या है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है
जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी हमने ये ऊपर बात की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी जो है आपके पास कॉन्स्टेंट रहती है, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी, मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे आपके पास एक मीडियम, मतलब कि आप किसी और गैलेक्सी में चले गए, तो वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही वाली लगेगी जो न्यूटन साहब ने बताई ना, ये पूरे यूनिवर्स में लग जाएगी, आप कहीं भी ले जाएं, किसी भी गैलेक्सी में ले जाएं, तो यही फोर्स लगेगी। ये आपके पास इंडिपेंडेंट है मीडियम के, तो बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नियर अर्थ सर्फेस जी इज, अच्छा जी अर्थ के सर्फेस में जी कितनी होती है? अच्छा जी ऑप्शन ए में है 10 मीटर पर सेकेंड का इन्वर्स, ऑप्शन बी में 1.6 मीटर पर सेकेंड का इन्वर्स, ऑप्शन सी में है बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है या तो आपको ग्रेविटी 9.8 में देंगे या तो 10 में देंगे, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। 9.8 नहीं दिया हुआ तो 10 दिया हुआ, तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर है। अब ऑप्शन बी में 1.6, 1.6 मैंने पहले भी बताया, 1.6 मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स, अच्छा इन्वर्स 1 है। अच्छा जी अगर आपके पास लिखा हुआ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास लिखा हुआ हो ना, तो ये आपके पास किसकी ग्रेविटी होती है, मून की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है, 10 मीटर इंटू सेकेंड का इन्वर्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या है, अर्थ की ग्रेविटी है। अगर 9.8 होता तो वो भी आंसर होता, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपका क्या है, मैं बताऊँ, आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ से बिल्कुल कंसिस्टेंट है। कैसे है, देखें आपकी बुक में एग्जांपल है, जैसे अर्थ और मून की बात है, अर्थ क्या है, मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून क्या है, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन करेंगे, जो कि बिल्कुल आपके पास न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, एक्शन और रिएक्शन का मेटालिज्म। तो ये ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, आपके पास वेट को मेजर करता है, ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं, योर वेट एज मेजर अर्थ विल बी डैश ऑन मून। अच्छा जी मैं ये चीज़ तो मैंने काफ़ी डिस्कस की, अगर आपका वेट अर्थ पे इतना है, जैसे आपका वेट अर्थ पे कितना है 60 न्यूटन, अब आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा, तो यही क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी मून की कम होगी। वेट किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी आपका कम हो जाएगा, तो क्या होगा, विल बी डिक्रीज ऑन मून। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास क्या है, ये तो आपको याद होना चाहिए, 6 × 10⁻²⁴ kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश इज अ नेचुरल सैटेलाइट, हमने बात की थी सैटेलाइट क्या होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में आपके पास क्या है, आपका मून है, जुपिटर तो एक प्लैनेट है, मार्स भी एक प्लैनेट है, अर्थ हमारा खुद, हमारी दुनिया, और हमारा जो सैटेलाइट है नेचुरल वो क्या है, मून। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्प्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन डैश आवर। वही बात है, कोई भी आपकी एक सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, तो वो क्या नाम है, अपनी रेवोल्यूशन कितने घंटे में पूरा करेगी, तो एक 24 घंटे के अंदर वो अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी कर देगी। अब रेवोल्यूशन क्या है, एक चीज़ एक जगह से, मतलब कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ से वो ऐसे मतलब कि चली और दोबारा इसी जगह पर वापस आ गई अपनी पोजीशन पे, तो मतलब कि घूम के अपनी जगह पे आई, तो एक रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट की। तो ज़्यादातर सैटेलाइट को 24 आवर्स ही लगते हैं, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज डैश ऑफ इट्स मास। अच्छा जी वेलोसिटी जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, आपके मास पे जो है क्या नाम है, इनडिपेंडेंट होती है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी इनडिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डैश आर यूज टू पुट सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट्स। अच्छी जी क्या चीज़ है वो आपके पास किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने की, यानी कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, अब हमें उन्हें ऑर्बिट में डालना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर्स यूज़ करेंगे, एरोप्लेन यूज़ करेंगे, ये रॉकेट। देखिए सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए तो यही होता है ना, उसको हमें हाइट पे लेके जाना है, अब अगर थोड़ी सी हाइट पे लेके गए तो वो तो अर्थ की ग्रेविटी मतलब उसको खींचेगी, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, वो नीचे गिर जाएगी, तो रॉकेट होता है, रॉकेट प्रोपल्शन हम करते हैं, तो रॉकेट को क्या कहते हैं, रॉकेट के ज़रिए से सैटेलाइट को हम अर्थ के ऑर्बिट में डालते हैं, मतलब उस जगह पे जहाँ पे वो क्या है, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर नहीं गिरेगी बल्कि अर्थ के अराउंड क्या करेगी, घूमती रहेगी, रिवॉल्व करती रहेगी, तो रॉकेट हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू, क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी आपके पास किसके बराबर है, ये आपको याद होने चाहिए, ऑप्शन सी में अंडर द रूट जी इन टू आर।